स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भरने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करना है। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट अभी बताई नहीं गई है, लेकिन इस लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, उसके पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पिछली कक्षा की सारी मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप जनरल हैं तो जात प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, बैंक पासबुक हो जिसमें 3 महीने से पिछले 3 महीने में ट्रांजेक्शन हुआ हो उसमें भी आधार लिंक होना चाहिए, एक फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतनी चीज़ें होंगी तो आप यहां से स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां पर आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पर आपको जाना, टाइप करना है scholarship.up.gov.in, लिंक डिस्क्रिप्शन और अराउंड आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट कॉर्नर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कॉर्नर है, जिस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्री मैट्रिक दिया गया है, ये होता है 9th-10th के लिए। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट 11th-12th के लिए, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट दिया गया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अदर कोर्सेज के लिए दिया गया है। अदर स्टेट वाले यूपी के जो हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट ये दिया गया है। SC/ST वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं पहले वाले में, OBC वाले सेकंड वाले बीच वाले में, और अल्पसंख्यक वाले यहाँ पर आप तीसरे वाले में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक इस वाले में करेंगे तो जो आपके हिसाब से हो उस हिसाब से आपको क्लिक कर देना है 9th-10th वाले प्री मैट्रिक में, इंटर वाले 11th-12th वाले पोस्ट मैट्रिक में, और उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपके हिसाब से हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो रिन्यूअल वाले हैं वो डायरेक्ट आपको लॉगिन कर लेना है, बताऊँ कैसे करना है, जो आपका हो उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो आपका जिला हो, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जो आपके जिला हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्कूल का नाम, आपके जिले में जितने कॉलेज रहेंगे सारे स्कूल आ जाएंगे, इसमें आपको अपने कॉलेज का नाम डाल देना है। जैसे कॉलेज का नाम डाल देंगे आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रिलीजियस धर्म कौन सा उसको सिलेक्ट कर लेना है। छात्र छात्रा का नाम आपके आधार कार्ड में और मार्कशीट में सेम नाम होना चाहिए, तो हाई स्कूल के हिसाब से आपको नाम को फिलअप करना है। नाम कैपिटल लेटर लिखा, अगर आपके आधार में कुमारी नहीं लगा है तो आपको कुमारी नहीं डालना है, बिना KM या कुमारी के फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपके आधार कार्ड में ही लगा है तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मार्कशीट में KM लगा है, आधार कार्ड में नहीं लगा है, तो आपको KM लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम डाल देना है कैपिटल लेटर में, माता जी का नाम यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर डाल देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है हाई स्कूल के मार्कशीट में, और आधार कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको करेक्शन करवा लीजिए, वरना आगे फॉर्म में फिलअप नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, लिंग मेल फीमेल जो हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर आ जाएगा शादीशुदा के लिए ऑप्शन आएगा, जिसको आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ प्रेस भी कर सकते हैं, फीमेल करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर दिया गया, आपने हाई स्कूल किस साल पास किया तो उसको आपको फिलअप कर देना है। हाई स्कूल फिलअप करने के बाद बोर्ड कौन सा है आपका, UP बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड हो उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का यहाँ पर दिया गया है रोल नंबर, आपको हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने हाई स्कूल कहाँ से पढ़ा था उस स्कूल का नाम आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आपको वही फिलअप करना है जो आपके आधार में लिंक हो, यहाँ पर उस कोई भी मोबाइल नंबर और डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है, कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं लेकिन डालना मैंडेटरी है। पासवर्ड यहाँ पर डालना है भाई 18 नंबर में, जो पासवर्ड डालेंगे वही सेम यहाँ पर 19 नंबर भी सेम पासवर्ड रहेगा। कैप्चा डालकर सबमिट कर देंगे। पासवर्ड कैसे बनाना है जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका नाम मुकेश है तो M कैपिटल में और उसके बाद UKESS स्मॉल में @123, इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। देखिए इसको बना लेंगे तो आपका एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन संख्या ये आ गई, मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद नीचे चले आएंगे, सारी डिटेल आपका फिलअप रहेगा, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है, चाहे इसको PDF बना के सेव कर लें, चाहे प्रिंट आउट निकाल लें, आपके पास जो सुविधा वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर चले आना है, आपको होम पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपका होम पे आ जाएगा, डैशबोर्ड करके दोबारा आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा स्टूडेंट का ऑप्शन, अब दोबारा में आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। रिन्यूअल वाले यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने 9th फॉर्म भरा था, 10th भर रहे हैं, 11th फॉर्म भरा था, 12th भर रहे हैं, या BA आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर फॉर्म भरा था तो नेक्स्ट क्लास के लिए भर रहे हैं, तो आप रिन्यूअल डायरेक्ट जाकर लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से लॉगिन में जाएंगे, 9th-10th वाले इसमें, 11th-12th वाले इसमें, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अदर वाले इसमें क्लिक कर देंगे, जो आपका हो उस पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेश लॉगिन में। उसके बाद यहां पर आपको आवेदन दिया गया, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना पासवर्ड कैप्चा डालकर सबमिट कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का सारी चीज लिखा रहेगा। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, दूसरे स्टेप में आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र है, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पाठ्यक्रम का प्रकार ये ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा, आपके कॉलेज के हिसाब से आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके कॉलेज में जितने कोर्स होंगे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे पाठ्यक्रम का नाम, इस पर क्लिक करेंगे, उस कॉलेज में जितने कोर्स होंगे सारे यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। आपने किस कोर्स के लिए एडमिशन लिया है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको सेलेक्ट कर देंगे, पेज रोटेट हो जाएगा। आपका वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सा है यहाँ पर ये आप डाल दीजिएगा, जो भी हो, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी कुछ भी आप कर रहे हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे हो, आपके हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा, आपको सेलेक्ट कर देना है उस हिसाब से। उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर में आप पहली बार भर रहे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर पहली बार भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट कर देना है। कुल कितने साल का कोर्स है ये लिख कर आ जाएगा, किस ईयर में आप हैं वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सेकंड ईयर, तो आप इनका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आपका प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं छठवें ऑप्शन में कि आवासीय दिव्या का क्या मतलब होता है। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल लेकर रहते हैं या यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो वो यहाँ पर आवासीय डालेंगे। अदरवाइज अगर आप अपने घर से रहकर या रूम से लेकर लेकर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिव्या ही डालना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपने प्रथम वर्ष में, यानी आप जैसे जो कोर्स कर रहे हैं उसमें फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिया था उसको आपको डाल देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर पिछले साल एडमिशन लिया था तो पिछले साल का डेट आपको डाल देना है एडमिशन। इस साल आप जिस क्लास में एडमिशन लिए हैं उसको डाल देना है, इस चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगर आप फर्स्ट ईयर फॉर्म भर रहे हैं दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम रहेंगी। और नंबर दिया गया विश्वविद्यालय बोर्ड अफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ पर आपको एनए डाल देना है। अगर आपके कॉलेज में होगा कुछ, ये देखिए जो फॉर्मेट गलत रहेगा बता देगा, आपको इस तरह से फॉर्मेट नहीं डालना है, आपको फॉर्मेट इसी तरह डाल देना है। ये फॉर्मेट आपका गलत दिखा रहा है, मैं फॉर्मेट चेंज कर दे रहा हूँ, ये आपको इस तरह से डाल देना। उसके बाद यहाँ पर जाएगा विश्वविद्यालय बोर्ड अफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहाँ पर आपको एनए कर देना है। अगर आपके कॉलेज से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है तो उसको डाल दें, वरना यहाँ पर एनए डाल देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन या जो भी कोर्स कर रहे हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है तो आपको स्कूल की तरफ से एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको उसमें लिखा होगा एनरोलमेंट नंबर, तो ये चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वही आपका रजिस्ट्रेशन क्रमांक होता है। नहीं तो आप एनए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक बार कॉलेज से चेकअप कर लेना है, वो बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विश्वविद्यालय बोर्ड अफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट किए रहेंगे आप, जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, क्योंकि मेरिट के आधार पर नहीं, अंक के आधार पर होता है। ये चीज़ें आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर हाँ मेरिट के आधार पर हुआ तो व्यावसायिक कोर्स के लिए तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो कर देंगे। पाठ्यक्रम की पात्रता, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंटर डाल देना है। अगर आप इंटर के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर आप हाई स्कूल डाल देना है, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं भी ग्रेजुएशन के लिए फिलअप कर दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट डाल दूंगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो पिछली कक्षा का यहाँ पर डालना है। जैसे मान लीजिए 13 नंबर पर दिया गया है, क्या यहाँ पर जैसे मान लीजिए यूपीएससी हो गया, एकेटीयू या जेई हो गया, कुछ इस तरह से आपने, या नीट हो गया, अगर इस तरह से यहाँ पर आपने यहाँ पर प्रेस हुआ है तो आपको यहाँ प्रेस कर देना, वरना यहाँ पर नो कर देना। अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल इंटर का डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपने हाई स्कूल कब किया था उसको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ईयर आपको डाल देना है। ये डालने के बाद पूर्णांक कितने था ये आपको डाल देना है। आपने कितना अंक प्राप्त किया था ये डाल देना है। प्रतिशत यहाँ पर डाल देना है। बोर्ड कौन सा था, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जो था उसको आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर का भी आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका कोर्स डिटेल, आपको हाई स्कूल इंटर का डिटेल भरना है, उसके अलावा कुछ आपको भरने की जरूरत है नहीं। ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको बस दो ही चीज़ डाल देंगे तो यहाँ पर कंपलसरी है, कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको बोर्ड डाल देना है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जो भी हो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को फिलअप कर देना है 7-9। उसके बाद कैप्चा फिलअप करने के बाद इस बॉक्स में यहाँ पर वेरीफाई कर देना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पेज चला जाएगा। कभी कभार सब एरर रिकॉर्ड आ जाता है तो आपको दोबारा ट्राई कर लेना है। कभी कभार सर्वर इशू होने की वजह से सब एरर रिकॉर्ड लिख कर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, यहाँ पर अपने गाँव का नाम डाल देना है पहले। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना पोस्ट डाल देना है और साथ में डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर आपका ये आवासीय पता, पत्र व्यवहार का पता दोनों सेम है तो इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पिन कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा को आपको डाल देना है। कैप्चा को डालने के बाद इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद, प्रमाणित करने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट, उसके बाद यहाँ पर आवासीय पता के नीचे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये चीज़ कुछ लोग स्टूडेंट दिखाएगा, जो एससी एसटी स्टूडेंट है तो यहाँ पर ये दिखाएगा, इस तरह का कॉलम दिखाएगा। जनरल और ओबीसी वालों में नहीं दिखाता है।
उसके बाद यहाँ पर पांचवें नंबर देखेगा, यहाँ पर एड्रेस जब आप मेंशन करेंगे, एड्रेस के नीचे यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ पर दिव्यंगता है, यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, हैंडीकैप हो कुछ जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया पांचवें नंबर पर क्या छात्र छात्रा के माता पिता साक्षर हैं, यहाँ पर नो कर देना है। क्या उनकी माता भी साक्षर हैं, तो यहाँ पर माता पिता दोनों वाले में आपको नो कर देना है। उसके बाद कैप्चर डालकर अपडेट कर देंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यस कर देंगे इस जिसमें स्टार बने हैं तीनों में आपको टिक करना पड़ेगा। सबसे अच्छा है यहाँ पर नो कर दें, चाहे साक्षर हो चाहे ना हो कोई जरूरत नहीं, आप नो कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर नो करके उसके बाद कैप्चर भर के यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपना बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बैंक है आपका, बहुत सारे बैंक है। अब मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आपका उत्तर प्रदेश में किसी भी बैंक में किसी भी जिले में अकाउंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जरूरी नहीं कि जिस जिले में आपका कॉलेज हो उसी जिले में आपका अकाउंट होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा पहले होता था लेकिन अब नहीं, अब स्कॉलरशिप आ जाती है। यूपी के अकाउंट होना चाहिए, किसी भी जिले में हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना, जो भी बैंक हो आपको, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का, बड़ौदा SBI, जो भी आपके बैंक हो उसको बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बैंक सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे, किस जिले में आपका अकाउंट है वहाँ पर आप डाल सकते हैं, किसी भी जिले में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जिला सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पेज रोटेट होने लगेगा, उस जिले में जितने ब्रांच होंगे यहाँ से आपको ब्रांच को डाल देना है कि यहाँ कौन सा ब्रांच है। उसके बाद जब ब्रांच डाल देंगे तो यहाँ पर आपका जो IFSC कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर छात्र छात्रा का जो भी स्टूडेंट हो उसका बैंक अकाउंट नंबर आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर दोबारा कंफर्मेशन के लिए वही अकाउंट नंबर डाल देना है, जो स्टूडेंट का पासबुक का नाम हो वही सेम नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद इस कैप्चा को फिलअप कर देना है, कैप्चा को फिलअप करने के बाद बॉक्स में क्लिक करके आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। फॉर्म भरते समय कभी कभार इस तरह से VR सॉरी लिख कर आ जाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिन में सर्वर स्लो वर्क कर रहा है अभी स्टार्टिंग में, रात में आप ट्राई कर सकते हैं, तब ये नहीं बताएगा। आपको ट्राई करते रहना है, बीच बीच में जब सर्वर स्लो हो जाता है तो ये VR सॉरी बताने लगता है, आपको दोबारा लॉग इन कर लेना है। कभी कभार ज़्यादा टाइम लग जाता है तभी पेज लॉग आउट हो जाता है, तभी VR सॉरी लिख कर बता देता है। जैसे अपडेट पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आपका ये हो चुका है, पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे स्टेप में यहाँ पर अपना शैक्षणिक योग्यता डाली, तीसरे में अपना एड्रेस डाला, चौथे में बैंक डिटेल डाला। अब यहाँ पर शुल्क डाल देना, आपके स्कूल में कितनी शुल्क है, हर स्कूल में अलग अलग होता है, ये आपको मैं दिखा दूंगा कैसे आपको स्कूल से चेक करा लेना है। आपकी फीस क्या है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्कूल में पूछ लेना है कि स्कॉलरशिप में सर फीस कितनी डालनी है, वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे क्या करना। अभी मैं यहाँ पर 5,000 डाल दे रहा हूँ, जिससे इस कॉलेज में 5,000 फिलअप करवाते हैं स्कॉलरशिप में। आपको फॉर्म भरने के बाद एक चेक करने के लिए भी प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उसको स्कूल में चेक करा के आपको अपडेट करके फिर आपको लॉक कराना, कैसे करना है वीडियो में बने रहिएगा, आगे बताता हूँ मैं। उसके बाद इस बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर गत वर्ष का विवरण यानी पिछली कक्षा का विवरण आपको डालना है, तो यहाँ पर आप पिछली कक्षा पास है, फेल है या प्रमोटेड है, जो भी हो यहाँ पर पास दिया गया है, प्रमोटेड दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है, जो बच्चे फेल रहते हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है पास, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, यहाँ वार्षिक प्रणाली हो तो वार्षिक डाल दीजिएगा, सेमेस्टर प्रणाली हो तो आपके कॉलेज में सेमेस्टर डाल दीजिएगा। यहाँ पर इसको भी आप डाल सकते हैं, CG वार्षिक अंक प्रणाली या CGPA प्रणाली, जो भी हो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गत वर्ष का प्राप्तांक यानी पिछली कक्षा में आपने कितने अंक प्राप्त किए थे ये चीज़ आपको डाल देना है, पूर्णांक कितने का था ये आपको डाल देना है पिछली कक्षा का। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक शो करने लगेगा, कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल कप कर देना है, कैप्चा को फिल करने के बाद इस बॉक्स में क्लिक करके आपको अपडेट कर देना, सारी चीज़ें यहाँ पर आप कंप्लीट हो जाएंगी, सारे स्टेप में आप यस लग गए हैं। अब आपको फोटो अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर होम पे चले आना है। दोबारा होम पे आने के बाद यहाँ पर फोटो अपलोड दिखा, इस पर क्लिक कर देना, फोटो आपकी 20 KB से कम होना चाहिए, चूज फाइल में चले जाना है, आपको फोटो यहाँ पर जो रखी हो उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर फोटो हो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको ओपन कर देना, अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, आपको व्यू फोटो दिया गया है, आप इस फोटो पर क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हैं। अगर फोटो यहाँ पर शो नहीं होता है दोबारा आपको होम पर चले आना, होम पर आने के बाद दोबारा फोटो पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की फोटो यहाँ पर दिखने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरह से आपको दिखेगी। उसके बाद दोबारा आपको होम पर चले आना, होम पर आने के बाद यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, स्लिप निकाल लिया, पूरा डिटेल यहाँ पर स्टूडेंट का भर दिया है, उसके बाद यहाँ पर फोटो भी अपलोड कर दिया। अब आपको इनकम और कास्ट यानी आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जनरल वालों की जात प्रमाण पत्र नहीं अपलोड होती है, केवल आय प्रमाण पत्र भी अपलोड होता है, यहाँ पर दिया गया है। कुछ संशोधन करना होगा संशोधन कर सकते हैं, ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा। उसके बाद इसको छोड़ देना है, भी यहाँ पर नीचे चले आना, आय एवं जाति प्रमाणीकरण, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक यहाँ पर आपको डालना है, आय प्रमाण पत्र का यहाँ पर क्रमांक डालना है। क्या होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट के यहाँ पर ये है इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये आवेदन क्रमांक है, ये आपका प्रमाण पत्र संख्या, ये जारी करने की डेट है। जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट में यहाँ पर फिल करना है,
जैसे मान लीजिए इस स्टूडेंट में यहाँ पे फिल करना है, पहला दिया गया आवेदन संख्या, तो ये आपका ये पहला वाला जो होता है ज्यादा लंबा जो लिखा रहता है ये आपका आवेदन संख्या है, इसको यहाँ पर डाल देना है। दूसरे वाले में दिया गया आय प्रमाण पत्र क्रमांक, तो ये क्रमांक आपका नीचे वाला होता है, ये क्रमांक ये है, आवेदन संख्या ये, दोनों चीज आपको देख कर भरना है और बस दो ही चीज़ें इसमें फिलअप करनी ही रहती है। पहले आय भरा जाएगा, उसके बाद अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो यहाँ पर आप जात भी आपका मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे आपका डाटा नीचे यहाँ पर आ जाएगा, देखो आपको ऐसे दिखेगा। आपको नीचे स्क्रॉल आउट कर देना है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप क्लिक करा जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाइड इनकम डिटेल है, इस पर क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पर इनकम वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे आपने आय प्रमाण पत्र का डिटेल भरा है उसी तरह जात प्रमाण पत्र का यहाँ पर आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये दोनों चीज़ें आपको डाल देना, जात का आवेदन क्रमांक, जात का प्रमाण पत्र, दोनों चीज़ आपको डाल देना। उसके बाद उप जाति, जाति कौन सी है, यहाँ पर बहुत सारी जात दी हुई है जो आपका उसमें जात उसको आप डाल सकते हैं। जाय डालने के बाद इस कैप्चा को आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे कभी आपका सबमिट रिकॉर्ड हो जाता है तो आपको दोबारा लॉगिन कर लेना है या कुछ देर बाद ट्राई करना है। उसके बाद नीचे से ले आएंगे, यहाँ पर आपने जो जात प्रमाण पत्र भरा है इसको वेरीफाई कर देना है, कास्ट डिटेल, ये चीज़ें आपकी हो गई, जो चीज़ें हो जाती है उसके ऊपर टिक हो जाता है। उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपके आधार में जो नेम डेट ऑफ बर्थ है वही सेम टू सेम आपके मार्कशीट में भी होना चाहिए, तभी यहाँ पर वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर ये नाम दिया गया, डेट ऑफ बर्थ दिया गया, यहाँ पर आधार नंबर डालना है, दोबारा आधार नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद इस बॉक्स में क्लिक करके आपको वेरीफाई कर देना है कि हाँ मैं अपने डिटेल यहाँ पर देना चाहता हूँ। उसके बाद कैप्चा भरकर आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, देख लिए। अब यहाँ पर क्लिक किया तो आधार ओटीपी गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे जो आपके आधार मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी के लिए नहीं जाता है यहाँ पर आपको रिसेंट पर क्लिक कर देना। जैसे रिसेंट पर क्लिक कर देंगे अब ओटीपी गया, यहाँ पर ओटीपी हैज बीन सेंड, दिस मोबाइल नंबर लास्ट मोबाइल नंबर दिखाता है। उसके बाद ओटीपी जाएगा 6 अंक का, उसको डालकर यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। करेंगे यहाँ पर आपका वेरीफाई हो गया, देखिए डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण ओटीपी प्रमाणीकरण दोनों हो चुका। कभी कभार क्या होता है कि आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण भी हो जाता है ओटीपी भी प्रमाणीकरण हो जाता है, लेकिन इसमें आपका वेरीफाई शो नहीं करता है। 24-48 घंटे बाद ट्राई करें, दोबारा लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें टिक हो जाएगा अगर ये नहीं आगे बढ़ता है तो। कभी कभार सर्वर सही रहता है तो बढ़ जाता है, सर्वर सही नहीं रहता आपको 24 घंटे बाद आपको दोबारा ट्राई करेंगे, ये आपको प्रमाणीकरण मिलेगा। उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये भी स्टेप हो गया, सारे स्टेप आपके हो गए। अब यहाँ पर जाँच है तो आवेदन प्रिंट करें, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जो फॉर्म आपने फिलअप किया सारे डिटेल यहाँ पर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ें ये तो अब मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन तो आपने अपने हिसाब से भरा, इसमें कुछ गलत होने की चीज़ है नहीं। स्कूल में आपको क्या मिलाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये आप हॉस्टल लेकर रहते हैं तो यहाँ पर आवासीय छात्र रहेगा, दिव्य छात्र नहीं रहेगा। अगर आपने घर में रहकर पढ़ते हैं, कहीं रूम लेकर पढ़ते हैं, तब यहाँ पर दिव्य छात्र रहेगा। स्कूल वाले एक चीज़ ये चेक करते हैं, सब उसी तरह था ये स्कूल वाले, इसको एक दूसरी चीज़ ये चेक करते हैं, पाठ्यक्रम का प्रकार इसको चेक करा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर अगर स्कूल वाले देते हैं तो डाल देना है, नहीं देते हैं तो आपको एनी कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे चले आएंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, एक दो चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मिलवाना है स्कूल में। फीस, जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल है, स्कूल की फीस है 4,000 एक साल की, स्कूल वाले कह रहे हैं नहीं इसमें आपको स्कॉलरशिप में 5,000 शो कराना है, तो आपको जितनी स्कूल वाले फीस बोले उसको यहाँ पर आपको देख लेना है, उतना आपको फिलअप करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी ऐसी सेम टू सेम रहेगी। पहली चीज़ फीस आपको चेकअप करवा लेना है कि फीस कितनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अगर स्कूल वाले आपके देते हैं यहाँ पर ये, तो आपको स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ले लेना है, मतलब अपने पंजीयन क्रमांक, आपका स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। अगर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले रहते हैं तो उसमें एनरोलमेंट ऑटोमेटिक लिखा रहता है रिजल्ट में, अगर फर्स्ट ईयर में है तो आपको एनरोल डाल देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिला लेना है, 2 से 3 चीज़ें। उसके बाद मैं यहाँ पर बैक चल रहा हूँ। जब स्कूल में मिलवा लेते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन, आपको भी लॉक नहीं करना, अगर लॉक कर देंगे यहाँ पर तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ आप चाहें इस पर करेक्शन कर सकते हैं, आसानी से चाहे जो चीज़ें हो सब आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आप चाहें सारी चीज़ें आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद दोबारा यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद होम पे चले आएंगे। जब सारी चीज़ें आप मिला लेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है जाँच के उपरांत आवेदन पत्र पर सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु तो आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन के बाद अवश्य करें। यानी इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ओके पर क्लिक कर देंगे ये फॉर्म आपका लॉक हो गया, अब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बाई मिस्टेक कुछ गलत हो जाता है, फ्रेश फॉर्म भर है तो नया भर सकते हैं। जो का फॉर्म आप कॉलेज में जमा करेंगे वही फॉर्म आपका माना जाएगा। कॉलेज वाले फॉर्म को आपको समाज कल्याण फॉरवर्ड करते हैं, समाज कल्याण में जब रिपोर्ट लगता है उसी में आपका पैसा आता है।
आप कितने रजिस्टर फ्रेश करते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल अब जो जमा करते हैं वो फॉर्म आपका मेन होगा वो माना जाएगा। जब फॉर्म को जमा कर देंगे उसके 24 घंटे बाद यहाँ पर दिया गया है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र, 24 घंटे बाद आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद प्रिंट आउट निकल जाएगा। जब 24 घंटे बाद प्रिंट आउट निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर बार कोड बन के आएगा, यही बार कोड वाला आपके कॉलेज में जमा होगा। फॉर्म को कैसे जमा करना है, दो प्रतिलिपि आपको फॉर्म के निकाल लेनी है और रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप है वो आपको रजिस्ट्रेशन वाला जो आपने शुरू किया था इसका प्रिंट आउट निकाल के घर में रख लेना है। अगले साल भी इसी से रिन्यूअल फॉर्म आपका होगा, उसके बाद ये फॉर्म की दो प्रिंट आउट निकाल लेना है ये बार कोड वाला, उसके बाद इसको ले जाकर आपको अपने स्कूल में साथ में सारे मार्कशीट और उसके बाद आय जाति आधार बैंक पासबुक फीस रसीद सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करके आपको ले जाकर कॉलेज में दो प्रतिलिपि जमा कर लेना है। एक कॉलेज वाले अपने पास रखते हैं, एक समाज कल्याण फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर तब भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पंकज तिवारी यूपी मेरी आईडी है, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी इसके बाद रिन्यूअल मेरा पड़ा है कि रिन्यूअल कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पंकज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद मेरा ब्लॉग का चैनल है, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ, गांव के बारे में बताता हूँ, तो पंकज गांव वाला मेरा ब्लॉग चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी और गाँव से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती भी रहेंगी। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए।